हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रह सकती है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 90% कट ऑफ जो है वो इतनी ही रहेगी। बात करते हैं PGT केमिस्ट्री मेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए 7, कट ऑफ गया था 157.02। OBC के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 141.47। SC के लिए 1 थी वैकेंसी, कट ऑफ गया था 124.67। और ST के लिए भी 1 थी, कट ऑफ गया था 94.57। अब की बार DSSB वालों ने PGT केमिस्ट्री मेल कैंडिडेट्स पर इतना बड़ा एहसान किया है कि सारे कैंडिडेट उस एहसान तले दब चुके हैं। एक ही वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर दी थी, तो कॉम्पिटिशन ये लोग इतना ज़्यादा चाहते हैं कि इन्होंने कंपटीशन के मामले में ओलंपिक को भी फेल कर दिया है। क्योंकि ओलंपिक में भी सेकंड और थर्ड पोजीशन वालों के लिए एटलीस्ट सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन वालों के लिए इन्होंने कोई स्थान यहाँ पर नहीं छोड़ा है। बस एक ही वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए। तो इसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 5-10 मिनट के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि 120 से 130 के आसपास उसकी कट ऑफ रह सकती है, पूरे पूरे चांसेस हैं। कमाल कर दिया DSSB वालों ने। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT केमिस्ट्री फीमेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए 4, कट ऑफ गया था 160.82। OBC के लिए 3 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 140.18। SC के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 126.09। और ST के लिए 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 91.86। अब की बार मेल के लिए 1 वैकेंसी थी और फीमेल के लिए हैं 2 वैकेंसी। तो इतना बड़ा एहसान इन्होंने सिर्फ PGT मेल पर ही नहीं, फीमेल पर भी किया है। एक वैकेंसी SC के लिए और 1 वैकेंसी ST के लिए इन्होंने यहाँ पर छोड़ी है। तो मतलब ये लोग यहाँ पर सिर्फ गोल्ड और सिल्वर वाले कैंडिडेट चाहते हैं, ब्रॉन्ज के लिए इनके पास भी, फीमेल के लिए भी कोई जगह नहीं है। अनरिजर्व के लिए वैकेंसी 00 और OBC के लिए भी 0 अंडा गोल पाई इन्होंने यहाँ पर रखी है। बात करते हैं कट ऑफ की। तो SC के लिए कट ऑफ जा सकती है 126 से 131 और ST के लिए जा सकती है 91 से 101। इसके साथ ही हम DSSB वालों से ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि भैया अगर इतनी आपके पास वैकेंसी हो, एक या दो पोजीशन, तो उसके लिए एडवर्टाइज ना निकालें, उसको आप प्रमोशन से भी भर सकते हैं। कम से कम इतना बड़ा मजाक तो नहीं होना चाहिए बेरोजगार कैंडिडेट के साथ। अगर आपको ये मजाक करना भी है तो उन लोगों के साथ करें जो ऑलरेडी जॉब पर हैं और प्रमोशन के लिए आपके पास प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हें आप ये 2 वैकेंसी दो, फिर देखते हैं वो आपको कैसा रिप्लाई देते हैं। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बात करते हैं PGT बायोलॉजी फीमेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए 1। कट ऑफ गया था अनरिजर्व के लिए 158.78, OBC के लिए 134.70, SC के लिए 122.41 और ST के लिए 96.57। अब की बार वही जो इन्होंने केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स पर जो एहसान किया था वही इन्होंने बायो पर भी कर दिया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर दी हैं, अनरिजर्व के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए भी 00 है, SC के लिए 1 है और 1 ST के लिए है। कट ऑफ की अगर हम बात करें इनकी, तो रह सकती है 110 से 115 SC के लिए और ST के लिए 90 से 100। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT फिजिक्स मेल। पिछली बार वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 8 थी, कट ऑफ गया था 197.45। OBC के लिए 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 185.20। अब की बार वैकेंसी कुछ है, कुछ मतलब कुछ ही है, इसको भी ज़्यादा तो नहीं कह सकते। अनरिजर्व के लिए 12 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स इस पर लगभग 2200 प्लस कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कट ऑफ रह सकता है 172 से लेकर 182 के बीच। OBC के लिए 3 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 300 प्लस। कट ऑफ रह सकता है 150 से लेकर 160 के बीच। SC के लिए 4 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इसमें बैठेंगे 450 के आसपास। कट ऑफ रह सकता है 135 से 140।
एसटी के लिए दो वैकेंसी है, कैंडिडेट्स बैठेंगे इसमें 60 से 70 के बीच, कट ऑफ रह सकता है 105 से 110। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए एक वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 260 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 135 से 140। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीजीटी मैथ्स मेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी जो थी अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 126.01। ओबीसी के लिए भी एक वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 106.57। और एसटी के लिए एक वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 90। अब की बार बात करें पीजीटी मैथ्स मेल के लिए, वैकेंसी है 18 अनरिजर्व, जिसमें लगभग 3,500 प्लस कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे और कट ऑफ रह सकता है 150 से लेकर 155। ओबीसी के लिए 12 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स इसमें लगभग 650 पार्टिसिपेट करेंगे, 620 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 115 से 125। एससी के लिए 5 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स की संख्या इसमें है 850 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 106 से 111। एसटी के लिए 10 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 130 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 98 से 103। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की भी एक वैकेंसी है, कैंडिडेट्स की संख्या 400 प्लस है, कट ऑफ रह सकता है 115 से 120। बात करते हैं पीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व के लिए वैकेंसी 4 थी, कट ऑफ गया था 124.49। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 107.32। एससी के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 90.66। और एसटी के लिए 3 वैकेंसी थी, लेकिन इसका कट ऑफ हम नहीं बता सकते क्योंकि DSSSB ने इसको टॉप सीक्रेट की कैटेगरी में रखा है और गोपनीयता की शपथ इसके लिए दिलाई गई है। ठीक है जी, अब की बार बात करें तो वैकेंसी अनरिजर्व के लिए हैं 10, कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 6,000 प्लस और कट ऑफ इसका रह सकता है 145 से 150। ओबीसी के लिए वैकेंसी है 3, कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे 700 प्लस और कट ऑफ रह सकता है 130 से 135। एससी के लिए 4 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इसमें बैठेंगे 530 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 115 से 120। एसटी के लिए 8 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इसमें 100 प्लस बैठेंगे, कट ऑफ रह सकता है 95 से 100। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की भी एक वैकेंसी है, कैंडिडेट्स की संख्या 300 प्लस रह सकती है, कट ऑफ रह सकता है 130 से 135। कुछ सब्जेक्ट जिनका कट ऑफ अभी रह गया है उनके लिए हम अगली वीडियो जो है उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।